उपचुनाव के चुनावी परिणाम आना शुरू हो चुके हैं और कई सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी। सर, उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकी कांग्रेस ने भी, लेकिन जिस तरह से अभी चुनाव परिणाम देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी ज्यादातर सीटों पर शुरुआती है। ये रुझान रेगांव में हम लोग आ गई है, पहले पीछे थे, जैसे रेगांव में पीछे थे और आगे आए, बाकी जगह भी ऐसे पीछे से आगे आएंगे। जिस तरह से आपने कहा चुनावी मैदान में देखने को मिल रहा था, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ऐसे मुद्दे को बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पीड़ित है इससे, महंगाई से, कोरोना से, बेरोजगारी से, ये सब चीजें हैं जनता में। जनता, ये जनता कहना है भाई, ये लोग हमसे आगे बोलते हैं ना कि ये सब हम परेशान हैं, हमको नौकरी दिलाओ, हमको ये सस्ता कराओ, ये लोग बोलते हैं आगे। जैसे लोग बोल रहे थे, मुद्दा भी बना, लेकिन उसके बाद भी नकार दिया क्या इन मुद्दों? ये तो जनता की पीड़ा है और मैं समझता हूँ कि पीड़ा को दूर करने का सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो नहीं की उन्होंने। लेकिन सर, खंडवा में देखने को मिला, आप लोग ने भी कहा था कि खंडवा में जरूर बड़ी मतों से जो है कांग्रेस की जीत हासिल होगी, अब आप लोग ईवीएम पर भी सवाल खड़े करते हैं। खंडवा में मैं ईवीएम का इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कंप्लेंट की हुई है वहाँ पे जिस तरह से कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़ा हुआ था पूरा सिस्टम, तो उसकी कंप्लेंट की है हमने, उसकी समीक्षा करेंगे। ईवीएम पर विश्वास नहीं है? कभी नहीं रहा। और विधानसभा चुनाव कौन सा? विधानसभा और लोकसभा? नहीं, वहाँ नहीं, विधानसभा के उसमें मैं गया नहीं, लोकसभा में गया था, तो वहाँ कंप्लेंट की थी हमने, ये कह रहा हूँ। ये थे हमारे साथ में पीसी शर्मा, जिनका कहना है कि उपचुनाव के अभी शुरुआती नतीजे हैं, लेकिन आने वाले जो पूरे परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस को जीत हासिल होगी, लेकिन ईवीएम पर भी विश्वास नहीं होने की बात उन्होंने कही है। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, IND24 भोपाल।